बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेवन क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर हम लोग सिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि पोल्यूशन है आलूदगी के बारे में। तो वर्ड्स मीनिंग्स मैंने आपको करवाए थे लास्ट लेक्चर में, तो अब हम इसके ट्रांसलेशन स्टार्ट करने लगे। आपके रजिस्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो हम पढ़ेंगे। पोल्यूशन आलूदगी इज है द एडिशन, इजाफा, एडिशन एड से निकला है इजाफा, ऑफ एनी किसी भी सच ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अज्जा का टू द टू एयर हवा में, वाटर पानी में, एंड लैंड और जमीन में। आलूदगी हवा पानी और जमीन में ऐसे अज्जा का इजाफा है विच जो एडवर्सली बुरी तरह आल्टर्स बदल देता है। इजाफा एडिशन इजाफा बदल देता है, ये बदल देता है जो हमने कहा है कि इजाफे के लिए कहा। आल्टर्स बदल देता है नेचुरल कुदरती क्वालिटी खासियत को ऑफ एनवायरनमेंट माहौल के। आलूदगी हवा पानी और जमीन में ऐसे अज्जा का इजाफा है जो माहौल की कुदरती खासियत को बुरी तरह बदल देता है। अगला सुना तो अच्छा, इसको पहले समझ लें कि बेटे आलूदगी क्या है। आलूदगी जो है बेटे ये हमारे लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है? ऑब्वियसली ये नुकसानदेह है। तो आलूदगी जो माहौल की कुदरती खासियत है, जो कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर खासियत माहौल की बनाई है, उसको बुरी तरह बदल देता है, उसको हम कहते हैं आलूदगी। और कुछ ऐसे अज्जा शामिल हो जाते हैं हवा में, जमीन में, पानी में, कि वो उसकी कुदरती खासियत को बदल देते हैं, इसलिए हम आलूदगी कहते हैं। अगला जुमला, पॉल्यूशन आलूदगी इज है एक सीरियस संगीन प्रॉब्लम मसला ऑफ मॉडर्न एज जदीद दौर। मॉडर्न जदीद एज दौर आलूदगी जदीद दौर का एक संगीन मसला है, सीरियस संगीन संजीदा। विद रैपिडली तेजी से इंक्रीजिंग बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज सनतें स्पेशली खास तौर पर इन में डेवलपिंग तरक्की पसीर जो तरक्की करने की कोशिश कर रही हो, उन कंट्रीज को, उन ममालिक को कहते हैं तरक्की पसीर ममालिक। डेवलपिंग कंट्रीज जो तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं या जो तरक्की कर रहे हैं उन्हें कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तरक्की पसीर ममालिक में खास तौर पर तरक्की पसीर ममालिक में तेजी से बढ़ती हुई सनतों की वजह से द प्रॉब्लम मसला इज है ऑफ ग्रेट बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड शिद्दत का, यानी मसले की शिद्दत बहुत ज्यादा है। खास तौर पर तरक्की पसीर ममालिक में तेजी से बढ़ती हुई सनतों की वजह से मसले की शिद्दत बहुत ज्यादा है। अगला पैराग्राफ करेंगे हम लोग। अब पैराग्राफ नंबर टू बेटे जो आपके रजिस्टर में है, एयर पोल्यूशन हवा की आलूदगी या फिजाई आलूदगी इज ए प्रॉब्लम एक मसला है पर्टिकुलरली खास तौर पर फॉर द पीपल उन लोगों के लिए लिविंग जो रहते हैं इन लार्ज सिटीज बड़े शहरों में और या इन द सिटीज उन शहरों में वेयर जहां देयर आर हैं। देयर जो है बेटे ये किसी चीज की मौजूदगी के लिए होता है, हमेशा इसका मतलब वहां नहीं होता है। तो यहां पे देयर का मतलब वहां नहीं है, देयर मौजूदगी को जाहिर करता है। देयर जहां देयर आर हैं मैनी बहुत सी इंडस्ट्रीज सनते। हवा की आलूदगी खास तौर पर उन लोगों के लिए एक मसला है जो बड़े शहरों में रहते हैं या उन शहरों में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा सनते हैं इंडस्ट्रीज। द एयर हवा अबव ऊपर
सेंटेंस इट ये से मुराद है एयर पोल्यूशन। इट ये अफेक्ट्स मुतासिर करती है बोथ दोनों को प्लांट्स पौधों एंड और ह्यूमन लाइफ इंसानी जिंदगी, ये पौधों और इंसानी जिंदगी दोनों को मुतासिर करती है डायरेक्टली बिला वास्ता। बिला वास्ता का मतलब होता है बेटे वास्ते के बगैर, बिला बगैर वास्ता किसी वास्ते के बगैर डायरेक्ट डायरेक्टली बिला वास्ता एंड और इनडायरेक्टली बिल वास्ता। बिल वास्ता मतलब किसी वास्ते के जरिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किसी वास्ते के जरिए। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये पौधों और इंसानी जिंदगी दोनों को बिला वास्ता और बिल वास्ता मुतासिर करती है। ये दो पैराग्राफ्स हैं आज के लिए, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।